Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabre hongi fatafat, yani ek ke baad ek tees khabre. To intizar kis baat ka? Let's take a look. Tees khabre fatafat. कंगना रनौत को रिसेंटली एक होटल से बाहर निकलते वक्त स्पॉट किया गया जब वो एक इवेंट के बाद वहां से निकल रही थी। कंगना शायद इस इवेंट के बाद सीधे जिम हिट कर रही थी एंड दैट्स व्हाई वी गेस शी वाज वेयरिंग दिस स्लीक एंड स्मार्ट ट्रैक सूट जिसमें शी वाज फ्लॉन्टिंग हर बैक टू द कैमरास। तीस खबरें फटाफट। खबरों की माने तो पॉपुलर रॉक बैंड कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट का हिस्सा बन सकते हैं रणवीर सिंह। जी हां, खबर आ रही है कि रणवीर सिंह अकेले ऐसे बॉलीवुड स्टार हो सकते हैं जो कोल्डप्ले के साथ स्टेज शेयर करें। हम आपको बता दें, बॉलीवुड के कई स्टार्स इस बैंड के काफी बड़े फैन हैं। 30 खबरें फटाफट। सिद्धार्थ मल्होत्रा बन गए हैं कटरीना कैफ के ड्राइवर। जी हां, खबर आ रही है कि आजकल कटरीना को उनके घर से पिकअप करना हो या पार्टीज के बाद उन्हें ड्रॉप करना हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा ही कटरीना के साथ नजर आते हैं। सोर्सेज का कहना है कि बार बार के मुंबई प्रमोशन के दौरान सिद्धार्थ ने हर इवेंट पर जाने से पहले कैट को उनके घर से किया पिक और फिर वो कैट को उनके घर ड्रॉप भी करने जाते थे। 30 खबरें फटाफट। श्रद्धा कपूर और अर्जुन कपूर फिलहाल न्यूयॉर्क में अपनी फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड की शूटिंग में बिजी हैं और शूटिंग के अलावा ये दोनों मस्ती भी खूब कर रहे हैं। ये देखिए, अर्जुन ने अपनी और श्रद्धा की टाइम स्क्वायर पर निकाली गई ये फोटो की है अपलोड। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण खुद को ढल रही हैं पद्मावती के ढंग में। संजय लीला भंसाली की इस पीरियड फिल्म की शूटिंग नवंबर में होने वाली है शुरू और इस शूटिंग का आगाज होगा दीपिका पादुकोण से। खबरों की माने तो 5 नवंबर से दीपिका पद्मावती की शूटिंग शुरू कर देंगी। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन आजकल राजस्थान के अलग अलग शहरों में अपनी अपकमिंग फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग कर रहे हैं। जयपुर के बाद वरुण पहुंचे कोटा इस फिल्म को शूट करने। वरुण की कोटा में शूट करते हुए ये पिक्चर आई है इंटरनेट पर। इनफैक्ट वरुण ने ट्वीट करके कोटा सिटी की है तारीफ। ही सेड, हैव टू से कोटा इज एन अमेजिंग सिटी एंड द पुलिस फोर्स हियर इज बाय फार द बेस्ट वी हैव इन आवर कंट्री। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, कटरीना अभी भी सलमान को मानती हैं अपनी फैमिली। 30 अनुष्का शर्मा ने अपने सोशल हैंडल पर ये पिक शेयर करते हुए पोस्ट किया कि उनका प्राग का शेड्यूल पूरा हो चुका है एंड दे आर नाउ इन एम्स्टर्डम। इम्तियाज अली की इस मूवी का वर्किंग टाइटल द रिंग है जो कि अनुष्का ने अपने इस पोस्ट में किया कंफर्म। शाहरुख ने भी रिसेंटली एम्स्टर्डम की रोड्स पर चलते हुए ये पिक किया था शेयर। 30 खबरें फटाफट। रितेश देशमुख पहुंचे सिद्धि विनायक मंदिर गणपति बापा का आशीर्वाद लेने। यहां रितेश व्हाइट कुर्ता और पजामा और टोपी में दिखे। यही नहीं, वहां मौजूद ढोल बाजा बजा रहे लोगों को न केवल रितेश ने अप्रिशिएट किया बल्कि उनके साथ डांस भी किया। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली मुंबई में हुआ एक ब्रांड इवेंट और आफ्टर पार्टी में पहुंचे बी टाउन के कुछ स्टार्स जिन्होंने इस इवेंट को बना दिया ग्लैमरस। फ्यू स्टार्स स्पॉटेड वो मलाइका अरोरा, राहुल खन्ना, सारा जेन डायस, कल्की केकला एंड अदर्स। 30 खबरें फटाफट। कटरीना कैफ भी आ सकती हैं दबंग 3 में नजर। अरे खबर सुनकर चौंकिए मत, कैट सोनाक्षी को रिप्लेस नहीं कर रही हैं और ना ही फुल फ्लेज्ड रोल में दिखाई देंगी। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, कैट दबंग 3 में एक आइटम नंबर करती हुई दिख सकती हैं। यानी मलाइका करीना के बाद कटरीना का आइटम नंबर भी बन जाएगा दबंग फ्रेंचाइज का हिस्सा। 30 खबरें फटाफट।
प्रियंका चोपड़ा के साथ न्यूयॉर्क में टाइम स्पेंड करके सनी लियोनी है बेहद खुश और सनी की इस खुशी को जाहिर कर रही है ये पिक्चर। सनी ने सोशल मीडिया पर प्रियंका के साथ अपनी इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए लिखा, सच अ नाइस आफ्टरनून विद प्रियंका चोपड़ा, गुड टाइम्स इन NYC, लव यू आर सच अ डॉल। सनी के सोशल मीडिया पर इस पिक्चर को शेयर करने के बाद ये पिक्चर इंटरनेट पर वायरल हो गई है। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान ने अपने सोशल हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो और उनके बेटे अबराम स्पाइडरमैन मास्क पहने नजर आ रहे हैं और अबराम शाहरुख को फॉलो करते हुए बहुत क्यूट नजर आ रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। काजोल आ गई हैं अपने हबी अजय देवगन के सपोर्ट में। आजकल अजय अपनी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म शिवाय के प्रमोशन में लगे हुए हैं और रिसेंटली इस फिल्म और करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। ऐसे में अब काजोल भी शिवाय के खुले सपोर्ट में आ गई है। ट्विटर पर शिवाय को प्रेज करते हुए काजोल ने लिखा, आई डोंट नीड ड्रग्स और अल्कोहल, माई न्यू हाई शिवाय। 30 खबरें फटाफट। अगले हफ्ते आने वाली फिल्म पिंक की एक स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे फिल्म की कास्ट के अलावा बी टाउन के और भी स्टार्स यहां नजर आए, कंगना रनौत, नेहा, दिया मिर्जा, शिजित सरकार और सुनिधि चौहान भी। रिपोर्टेडली ये स्क्रीनिंग बिग बी ने रखवाई थी और फिल्म लड़कियों से जुड़े एक इशू पर बेस्ड है। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग मनाली में जोरों शोरों से चल रही है और रिसेंटली फिल्म की शूटिंग के लिए 12,000 फीट की हाइट पर एक सेट लगाया गया, लेकिन जब फिल्म की क्रू वहां शूटिंग के लिए पहुंची, तो वहां चारों तरफ सिर्फ क्लाउड्स ही क्लाउड्स थे। कबीर ने अपने सेट की पिक्चर सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। 30 खबरें फटाफट। गोविंदा को किया गया उनके बंगलो के बाहर स्पॉट। यहाँ गोविंदा ट्रैक सूट में आ रहे थे नजर। लगता है एक्सरसाइज के बाद अपने बंगलो से अपने फ्लैट वाले घर में जा रहे थे गोविंदा। वैसे पहले के कंपैरिजन में थोड़े स्लिम नजर आ रहे थे हमारे चीची भैया। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो अनिल कपूर अपनी डॉटर रिया कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड करण बुलाने की खूब मदद कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि करण की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म साथ, जो कि काफी समय पहले शेल्व हो चुकी थी, उसे अनिल कपूर ने रिवाइव करने का फैसला किया है। अनिल कपूर इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस करने वाले हैं। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार जो अपनी फैमिली मैन इमेज के लिए काफी फेमस हैं और एक लविंग हस्बैंड के साथ एक डोटिंग डैड भी हैं, उन्होंने अपनी बेटी नितारा के बारे में रिवील किया कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्टेड है और वो है भगवान हनुमान जी। उन्होंने कहा, शी इज ब्यूटिफुली ऑब्सेस्ड एंड आई कुडंट बी हैप्पियर। वेल वी थिंक दैट्स क्यूट। 30 खबरें फटाफट। कपिल शर्मा जो रिसेंटली एक ट्वीट की वजह से न्यूज में थे जिसमें उन्होंने मुंबई में करप्शन को टारगेट करते हुए PM से पूछा था कि क्या ये अच्छे दिन हैं, उस पर अब कपिल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देकर खुद को कंट्रोवर्सी से रिट्रैक्ट किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ कंसर्न एक्सप्रेस किया था और वो कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। ही ऑल्सो सेड दैट ही प्रेफर्स टू बी ऑन द एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म देन द न्यूज प्लेटफॉर्म। वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है और बनना भी नहीं चाहते। साथ ही वो स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करते हैं और उन्होंने सिर्फ गुस्से में ट्वीट कर दिया था। 30 खबरें फटाफट। पिछले काफी लंबे समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि फिल्म ए दिल है मुश्किल में शाहरुख खान कैमियो रोल में नजर आएंगे और अब फाइनली करण ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। करण का कहना है कि शाहरुख ने उनकी फिल्म में ए दिल है मुश्किल में एक सीन किया है। अब से 7 साल पहले करण ने किंग खान को डायरेक्ट किया था और करण के मुताबिक SRK बिल्कुल नहीं बदले। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, फिल्म शिवाय को प्रोड्यूस कर रहे एक नामी बॉलीवुड फिल्म स्टूडियो ने इस फिल्म से अपना हाथ खींच लिया है।
30 खबरें फटाफट। सलमान खान को पसंद आया है फिल्म बैंजो का ट्रेलर। सलमान का कहना है कि फिल्म बैंजो में नरगिस और रितेश का काम आउटस्टैंडिंग है। अपने सोशल हैंडल पर रितेश और नरगिस की अपकमिंग फिल्म बैंजो के ट्रेलर की तारीफ करते हुए सलमान ने लिखा, सॉ द ट्रेलर ऑफ बैंजो, रितेश एंड नरगिस आर आउटस्टैंडिंग, नाउ सी दिस हैशटैग थैंक गॉड बाप्पा नाउ विद हिंदी सबटाइटल्स। वैसे इन दिनों सलमान जमकर अपने दोस्तों की फिल्म्स प्रमोट कर रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार ने मालदीव्स में अपनी फैमिली के साथ किया बर्थडे सेलिब्रेट और ये पिक्चर मालदीव्स में अक्षय के बर्थडे सेलिब्रेशन की है, जिसे उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ट्विंकल ने इस पिक्चर को अपने सोशल हैंडल पर शेयर करते हुए कैप्शन दिया, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी आई एम हैप्पी टू पिक दिस पर्टिकुलर हैंडसम डेविल हैशटैग हैप्पी बर्थडे मिस्टर के हैशटैग बिग डे। 30 खबरें फटाफट। पिछले काफी समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या की अपकमिंग मूवी ए दिल है मुश्किल में ऐश्वर्या और रणबीर की ऑन स्क्रीन क्लोजनेस से खुश नहीं हैं। लेकिन जब बिग बी से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि उन्होंने अभी तक इस फिल्म का टीजर ही नहीं देखा। अमिताभ ने कहा, आई हैवंट सीन ए दिल है मुश्किल टीजर। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो फिल्म शिवाय को प्रोड्यूस कर रहे एक नामी बॉलीवुड फिल्म स्टूडियो ने इस फिल्म से अपना हाथ खींच लिया है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म के ओवर बजट होने के बाद इस स्टूडियो ने ये फैसला किया है। सोर्सेज की माने तो पहले इस फिल्म की शूटिंग 70 करोड़ में कंप्लीट होनी थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होते होते बजट 70 करोड़ से काफी ज्यादा हो गया। वैसे अजय देवगन अभी भी अपनी फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं और उनका मानना है कि ये फिल्म बॉलीवुड के लिए एक लैंडमार्क साबित होगी। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो अक्षय कुमार अपनी एक अपकमिंग फिल्म में अपने 5 डिफरेंट अवतार से सबको चौंकाने की तैयारी कर रहे हैं। सोर्सेज का कहना है कि इस फिल्म को उमंग कुमार डायरेक्ट करने वाले हैं और इस फिल्म के लिए अक्षय कुमार को काफी प्रेपरेशन करना पड़ सकता है। हम आपको बता दें, अक्षय कुमार अपनी ज्यादातर फिल्म्स की शूटिंग से पहले कुछ खास प्रेपरेशन नहीं करते, वो डायरेक्टली फिल्म की शूटिंग शुरू करने में विश्वास रखते हैं। 30 खबरें फटाफट। जॉन अब्राहम के फिटनेस फंडे उनके फैंस को तो काफी पसंद आते हैं, लेकिन जॉन के स्टाफ को इससे हो रही है काफी दिक्कत। दरअसल जॉन अब्राहम आजकल शुगर फ्री डाइट पर हैं, ऐसे में वो अपने स्टाफ को भी इसी तरह के डाइट के लिए पुश कर रहे हैं। और सोर्सेस की माने तो रिसेंटली जॉन ने अपने एक स्टाफ को जब डिजर्ट खाते हुए देखा तो उसे 1 घंटे से ज्यादा देर तक शुगर के साइड इफेक्ट्स के बारे में समझाते रहे। 30 खबरें फटाफट। करण जौहर की हर डायरेक्टोरियल फिल्म्स में काजोल रही हैं उनकी लकी चार्म। ऐसे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ए दिल है मुश्किल में डेफिनेटली होगा काजोल का एक कैमियो, लेकिन अब सोर्सेस की माने तो ए दिल है मुश्किल और शिवाय के क्लैश की वजह से करण और काजोल के बीच डिफरेंसेस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि इस फिल्म में काजोल के कैमियो के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता। 30 खबरें फटाफट। कंगना रनौत पहुंची एक इवेंट पर और यहां जब उनके साथ खेला गया रैपिड फायर तो कंगना ने दिए कुछ इंटरेस्टिंग जवाब, पर जब बात आई उनके गेम चेंजर होने की तो कंगना ने कुछ यूं दिया जवाब, यू आर द अल्टीमेट गेम चेंजर, हाउ डज इट फील टू बी दैट, आई एम सो हंबल, आई डोंट हाउ टू प्रेज मायसेल्फ, आई एम सॉरी गाइस, बट इट्स जस्ट सो नाइस टू बी, सो नाइस, थैंक यू। 30 खबरें फटाफट। करीना कपूर नजर आई अपनी गर्ल गैंग के साथ पार्टी करती हुई। करीना जो कुछ ही मंथ्स में एक्सपेक्ट कर रही हैं, वो चाहती हैं कि वो अक्टूबर तक अपने सारे कमिटमेंट्स फुलफिल करके अपने पब्लिक अपीयरेंसेस कंप्लीट कर दें, क्योंकि उसके बाद वो रेस्ट करना चाहेंगी। इस पार्टी में जहां उनकी फ्रेंड्स मलाइका और अमृता तो नजर आ रही हैं, वहीं करिश्मा इस पार्टी में है मिसिंग। 30 खबरें फटाफट।
कटरीना अभी भी सलमान को मानती हैं अपनी फैमिली। एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान जब कटरीना से पूछा गया कि किस एक्टर के साथ आप फैमिली की तरह फील करती हैं, तो इस पर कटरीना ने लिया सलमान का नाम। सलमान खान ही है जो कटरीना को फैमिली का एहसास करवाते हैं। रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद कटरीना और सलमान की दोस्ती पहले की तरह मजबूत हो गई है।